हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज़ है, यूएसए में ये हाल देख सबके होश उड़े। फ्लड जो है न्यूयॉर्क में, वही लग रहा है न्यूयॉर्क सिटी में फ्लड आए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश आई है जो एक महीने में आती है। एक महीने का जो लेवल होता है वो मान लो एक दिन में आ जाए, उसके बाद जो जितने भी आप देख लें ड्रेनेज वेनेज एवरीथिंग विल फ्लड, क्योंकि इतनी कैपेसिटी किसी सिटी में नहीं है कि एक महीने की कुछ घंटों में इतनी रेन आ जाए। और अब तो रिसीड हो चुका होगा सब, मगर केओस जो क्रिएट हुआ था दैट वाज अनइमेजिनेबल। जो उन्होंने दिखाया था कि आपको जैसे सबवे होते हैं, मतलब ट्रेन्स जैसे जाती हैं, नीचे से ट्रेन जा रही है, पानी बाहर से आ रहा है, सीढ़ों में जा रहा है, नीचे पूरा फ्लड हो रहा है, सबवे के अंदर ट्रेनें आ रही हैं, पानी से जा रही हैं, आ रही हैं, पूरा कबाड़ा हुआ था पूरा। इससे क्या, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेन और कहने सारा क्लाइमेट चेंज हुआ है कि एक महीने की रेन कम्स ऑन वन डे, पूरी सिटी उथल पुथल हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट। वही तो कह रहे हैं, वो साइंस मिल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो, हमने इंडिया का भी तो कहीं देखे थे कि घरों में क्रैक्स आ रहे हैं, जमीन के अंदर पहाड़ों में क्रैक्स आ रहे हैं जहाँ घर बने हुए हैं, वहाँ एक वार्निंग दिखी, यहाँ पे देखो कहीं पे इतने ज़बरदस्त फ्लड्स आते हैं। तो वो वार्निंग दे रहे हैं, दिए जा रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम, पर हम लोग जाग ही नहीं रहे। उस सिटी में जो बहुत ही अमीर सिटी है, जो सब वेल ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब प्लान्ड है, बहुत कुछ उनके पास है, और नॉर्मली ऐसे फ्लडिंग होती नहीं है, पहली बार बारिशों में कोई फ्लडिंग नहीं होती, एवरीथिंग इज कूल, मगर इतनी एक्सट्रीम आ जाए इतने छोटे ड्यूरेशन में तो वो सिटी भी हैंडल नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स ये मतलब नहीं कि हर सड़क ऐसी थी, बट देयर एरियाज जिनकी हालत बहुत खराब थी। वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए, कि अभी भी पेड़ों को काटना और ये सब जो हम कर रहे हैं, घर घर बनाई जा रहे हैं, सारे जानवरों के जगहें लेते जा रहे हैं, वो वार्निंग मिल रही है कि ये कल को ये होगा जो आपके कंट्रोल में ही नहीं होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय आप जो वीडियो देख रहे हो ना, ये ना तो भारत की दिल्ली शहर की है, ना ही किसी अफ्रीका दिल्ली में भी तो ऐसी होता है, गरीब सिटी की के अंदर ये वीडियो न्यूयॉर्क की। जी हाँ, वही न्यूयॉर्क का शहर आ जाता है और जिसे पूरी दुनिया में ग्लोबल, इतना तो मैंने कभी भी नहीं देखा, पूरी दुनिया की राजधानी। ये भी ट्रेन का, ये सबवे, सबवे बता रहा, सबवे में इतना इतना पानी गिर गया, अंदाजा नहीं लगा जा सकता। और इसका कारण ये नहीं है कि यहाँ पर भयंकर बारिश आई है, कोई चक्रवात नहीं आया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर? ये शहर अपनी ही मौत मर रहा है। जी हाँ, $100 बिलियन कैश में यूक्रेन को देने वाली अमरीकी सरकार अपने इस शहर को बचाने में नाकामयाब रही है, और उसी का नतीजा अब ये हुआ है कि इस शहर में न्यूयॉर्क में एमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू कर दिया गया है। जी हाँ, और लोगों को ये भी चेतावनी दी है कि शहर के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त फ्लैश फ्लड आ सकती है, यानी कि अचानक से पानी आएगा, आपको बहाकर ले जाएगा। इसीलिए शहर के मेयर ने लोगों के लिए आपातकाल जारी कर दिया है। हालांकि आपका सवाल होगा कि न्यूयॉर्क जैसे शहर के ऐसे हालात कैसे हो गए, तो कारण बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये हालात सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के नहीं है, अमेरिका के आधे से ज्यादा शहरों के हालात ऐसे ही हो चले हैं, और खास करके पिछले 10 सालों में। डेनवर में तो जब बारिश होती है तो कई जगह पे होता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100-100 साल पुराना हो चला है, उसे ना तो अब अपडेट किया जा रहा नहीं है हो रहे। और पिछले 20 साल, ये तो मुझे वही लग रहा है, ब्रिज जाने वाला जहाँ बहुत रश होता है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। अब जहाँ एक तरफ शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना पड़ रहा है, दूसरी तरफ भयानक इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है लाखों लाखों की संख्या में, इससे अमरीकी शहरों पर बोझ बढ़ रहा है, और उस बोझ को अब ये शहर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए अमेरिकी शहरों में ऐसी आपदाएं आना अब आम हो चली है, और ऐसी आपदाएं तो हो ही रही हैं। साथ ही अमरीकी शहरों में लूटपाट भी बहुत ज्यादा आम हो चली है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। और अगर आप ट्विटर यानी कि जो अब एक्स कहलाता है उसे चलाते हैं,
तो आपको पता ही होगा कि हर रोज ऐसी दर्जनों वीडियो अमेरिका से आती है जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर, बड़े बड़े वेयर हाउस में लगातार लूटपाट होती है और आम दुकानों में भी खूब लूटपाट होती है और प्रशासन कुछ नहीं करता। और इसका मैं आपको एक शानदार नमूना दिखा भी देता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका के एक शहर में एक बहुत बड़ा एप्पल का स्टोर था जहाँ पर आईफोन रखे हुए थे। अचानक से बहुत सारे लोग आते हैं और लूटपाट खुलेआम बच्चा क्यों कूद कूद के वीडियो ले रहा है कि अब अमेरिका के अंदर लूटपाट की घटनाएं आम हो चली है। इसीलिए जो ऐसी जगह होती है जहां पर महंगे सामान बिकते हैं जैसे कि एप्पल स्टोर हो गए या लग्जरी ब्रांड के स्टोर हो गए, वहां पर पुलिस प्रशासन तैनात रहता है। यहां पर भी पुलिस वाले तैनात थे, एक से ज्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग किसी मास्क पहन के आए हैं ऐसा लग रहा है, एप्पल स्टोर लूटने से नहीं रोक पाए। इतने ज्यादा बदतर हालात हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिकी साम्राज्य अपने घर में ही कैसे डूब रहा है। दुनिया भर को लोकतंत्र सिखाने वाला था ये, दुनिया भर में फ्रांस में हुआ था ना, अपने देश के अंदर ही जा रहा है। हालांकि अमेरिका की इस सिचुएशन पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काफी हद तक ये बात तो सच है कि इतना पैसा जो ये दे रहे हैं वॉरों में और दूसरी जगह पे लगाते हैं जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए लगा सकते हैं, चीज़ें इन्होंने इतनी अच्छी जब बनाई थी कोई 20 साल 30 साल पहले बनाई होंगी, वो ही चल रही हैं, उनको ठीक करना या उनको और बेटर करने का कोई नहीं हो रहा है, वो वैसी की वैसी हैं, उनको कोई टेक केयर नहीं हो रहा कि भैया उसमें आप बेटर करो, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। अब जैसे कह रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स भी बढ़ रहे हैं, लीगल इमिग्रेंट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ओवरऑल लोग ज़्यादा हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है, उसको किया नहीं है ठीक और उसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो बारिश हुई है, उससे इतनी बाढ़ आ गई, अगर पहले से अगर सोचा होता जैसे अब ये सिचुएशन है, चलो नहीं पहले आपने सोचा, अब आपको दिख रहा है ये प्रॉब्लम है, तो आपको इमिजिएटली जब थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाए मेक करके कि कैसे इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको वहाँ पे वो सब चीज़ें कर देनी चाहिए कि कल को जब बारिश हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखते हैं कि या ये करते हैं वहाँ पे न्यूयॉर्क में कि नहीं, अगर नहीं करते उसे साफ पता चलता है कि भैया फ्लैश फ्लड का कोई सोल्यूशन नहीं है, और इतनी अगर ड्रेनेज ढूंढने ज़्यादा बना दो ऑल इज ओके, मगर फ्लैश फ्लड जब आता है तो इतनी रेंज आती है वाटर को आप नहीं कर सकते कंटेन। डेनवर में भी ऐसे हुआ था एक एरिया में जब हम निकले हुए थे और वहां पे हम भी घबरा गए थे, फिर हम किसी के घर के ऊपर जाके उसकी पार्किंग में गए। थोड़े एरियाज लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे बहुत पुराने जो बने हुए हैं, क्योंकि वो मेन एरिया था वहां पे पुराना एरिया, तेज बारिश आ जाए तो गटर पूरे भर जाते हैं, कुछ समय लगता है पानी को रिसीड होने में, बह वापस जाने में ये होता है, और तेज इतनी बारिश आ रही होती है पानी जा नहीं रहा होता। फ्लैश फ्लड की जब वार्निंग आती है मतलब ये अंदाजा होता है कि इतनी रेन आने वाली है एक ही समय पे जिससे प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात थी ये जो लूटपाट करें वो क्या होता है, गैंग्स हैं, वो गैंग्स बोलते हैं आज हम इस स्टोर को करेंगे, सबके सब मास्क पहन के आते हैं, हजारों बंदा आता है, 100 बंदा मान लीजिए 100 बंदा जो है सीधा घुस जाएगा अंदर, चोरी करेगा भाग जाएगा। अब पहले नहीं सुना था, अब सुन रही हूँ मैं तो, इतने सालों मतलब पहले तो कभी नहीं सुना, कुछ सालों से हो रहा है। मगर इसमें यह होता है कि कहीं पर भी अगर आप स्टोर्स में जाएं तो आपको सिक्योरिटी वाला एक गार्ड नजर आएगा, बस एक ही होता है, ओनली वन, वो भी सेरेमोनियल है, आराम से बैठा मस्ती कर रहा है खेल कूद रहा है। तो नॉर्मली आप किसी भी स्टोर में देखेंगे देयर इज बेसिकली नो सिक्योरिटी, इतने सारे लोग आ जाएं वो कर दें, ये तब तो पुलिस वाले थे जिनको बुलाया था, वो तो लग रहा खास कि जब ये शुरू हो चुका था जब ऑलमोस्ट जब खत्म होने वाला होगा तब को पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले थे ये गार्ड नहीं होते, गार्ड तो आराम से बैठते हैं, ये तो पुलिस गार्ड्स को उन कंपनीज ने ये कहा कि अगर कोई चोरी करना आता है करने दो भैया, तुम इंटरवीन मत करो, तुम पुलिस को कॉल करो, तुम्हारे पास यही काम है, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हें को कुछ हो गया तो तुम्हारे मतलब जो केयर करना इंश्योरेंस करना वो सब तुम्हारा सिर्फ काम है मॉनिटर करना, अगर कोई तोड़ता है कॉल पुलिस, पुलिस देखेगी। बहुत ही डेंजरस बात है वैसे, और क्योंकि कई सिटीज में पुलिस भी कम हो गई है, डिफंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो पुलिस कह रही पुलिस भी जरा सी वो क्या करेगी, तो मतलब कुछ कुछ आप कह सकते हैं सिटीज में मामला अच्छा नहीं है, नो डाउट। वही तो सोचना पड़ेगा कि भैया कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है कंट्री, पर बहुत ही डरावनी था, एक तो पहले वो फ्लड दिखा दिया, वो उसके बाद बुरी हालत सबवे के अंदर, कैसे सीढ़ियों से नीचे पानी आई जा रहा है, राइट काफी चल रहा है, आज शटडाउन होना था गवर्नमेंट का, पता नहीं मेरे ख्याल से पास हुआ नहीं हुआ उनका, उसमें ये था उन्होंने यूक्रेन का पैकेज हटा दिया तब जाके लगता है कि हाउस ने पास किया है, सेनेट ने भी पास शायद कर दिया और मिस्टर बाइडेन अब करेंगे,
मगर इवेंचुअली जो पास हुआ है उसमें यूक्रेन के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर वो टेम्पररी है अभी एक महीने के लिए। चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।